एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस आई वंदना फ्रॉम वॉक टीवी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है हाउ टू मेक योर स्किन रिंकल फ्री। और वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है जैसे आपने टाइटल में तो शायद देख ही लिया होगा। और इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा आपके घर में होगा, इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ख़रीद के रख लो। बहुत ही बेहतरीन जिसे कहते हैं चीज़ है आपकी स्किन केयर के लिए। सो अभी हमें क्या करना है, सब फर्स्ट स्टेप क्या है, ये मैंने अपने ऊपर गार्डन से टेरेस गार्डन से तोड़ा है। तो इसमें जो ये वाला एरिया होता है आप जैसे देख रहे हैं ये सबसे डेंजरस होता है। इवन जब वो इसका जूस भी बनाते हैं तो ये भी इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमें इसे पहले एलिमिनेट कर लेना है। इतना एरिया आप देख रहे हैं इसको मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। अब उसके बाद इसके हमें कांटे निकालने हैं इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेती हूँ। बहुत ही इसके जो फ़ायदे हैं अनगिनत हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना फ़ायदेमंद है। इवन लोग इसको इसकी सब्जी भी बनाते हैं, इसको खाते हैं, जूस भी पीते हैं और इसको स्किन पे भी अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से। सो अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं दो हिस्सों में काट लूँगी इतनी बड़ी स्टिक को। अब मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। अब मैंने इसको बीच में से छील लूँगी। अब छीलना भी मुझे किस साइड से है, इसको डिवाइड कर लेना है, यानी 50-50 पार्शली इसको मैंने काटना है इस तरीके से। तो मैं इसको काट लेती हूँ कि दोनों साइड जेल रहे। आपको इस प्रकार इसको काटना है। सो हियर इट इज, ये इस तरीके से दिखेगा दोनों साइड जेल। अब आपको बहुत ही सिंपल स्टेप करना है। पहले मैं दूसरा भी काट लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज़ें करनी हैं। और आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों पहना है, ये इसलिए पहना है ताकि बाल बीच में ना आए, बाल हमेशा अड़ते रहते हैं। मैं इसी को इस तरीके से 50-50% में काट लूँगी। ये मेरा हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमारी जो जैसे आपकी स्किन्स में रिंकल आ जाती है या कोई भी इश्यूज़ आ जाते हैं, वैसे तो ये हर स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है, बट हमें अभी क्या करना है, अभी जो हम रिंकल फ्री रहने के लिए हमें इस पत्तियों से मसाज करनी है। तभी मैंने आपको कहा था कि इनको 50-50 करके काटना है। अब हमने इसको अपलिफ्ट करना है अपने स्किन को। जो भी हमारे रिंकल्स और झाइयाँ बनी हुई हैं वो इस तरीके से लटक रही होती हैं, तो हमने इसको अपलिफ्ट करना है। और ये नारिश करता है आपकी स्किन को, हाइड्रेट करता है नेचुरली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको अपलिफ्ट ही रखना है, डाउनलिफ्ट नहीं करने होंगे।
ये आपकी स्किन को तभी बढ़िया तरीके से नरिश करेगा और रिंकल फ्री करेगा और स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करेगा। आप इसको हफ्ते में 3 बार अप्लाई करें और आपको 1 महीने के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने लग जाएगा। थोड़ा और जल चाहिए तो इसके अंदर से थोड़ा सा आप ऐसे कट मार लेंगे तो वो जेल जो फंसा हुआ है वो भी निकल जाएगा। दोनों लीव्स में आप ऐसे कर लीजिए। इस तरीके से आपको 10-15 मिनट्स मसाज करनी है अपलिफ्ट डायरेक्शन में और आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको कोई बाहर से डर्मेटोलॉजिस्ट के जाने की ज़रूरत नहीं, महंगी क्रीमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्री में इलाज करेगा। मेरी फर्स्ट स्टिक ख़त्म हो गई, मैं सेकंड स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इसमें भी मैं पहले कट मार लेती हूँ सो दैट कि जेल जो है वो अच्छी मात्रा में मुझे मिल जाए। मसाज ज़रूर करनी है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट लगाया और फटैक से आपने, नहीं, मसाज का ही ये सारा और एलोवेरा का ही ये जो है खेल है। इसमें रिजुविनेट करता है ये आपकी स्किन को नेचुरली। आपको बिल्कुल सालोन वाली फील आएगी जब आप खुद ही अपने घर पे बैठे ये करेंगे। अब थोड़ा बहुत सर्कुलर भी कर सकते हैं और फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा अपलिफ्ट में। ये दाग धब्बे भी दूर करता है, रिजुविनेट करेगा, हाइड्रेट करेगा, की स्किन में ग्लो एनहांस करेगा। सो आई एम डन विद दिस और अब मुझे क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा आँखों से दूर रखिए और मुंह से दूर रखिए तो जा, क्योंकि ये बड़ा ही गंदा टेस्ट होता है इसका, इसलिए कह रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे जब तक ये ड्राई होता है मुझे थोड़ा सा वेट करना है ये सूख जाए और ये अपना जो मेरे स्किन के सेल्स में जाए और उस चीज़ को प्योर करे, जो टॉक्सिन्स हैं स्किन के अंदर वो भी ठीक करे और रिंकल फ्री करे, अगर आपकी जैसे शाइयाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं तो उसके लिए। सो अभी मैं थोड़ा वेट करती हूँ। नाउ यू सी जैसे ये स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे माथे पे मैंने कितना लगाया था, सारा एब्जॉर्ब हो गया है। सो इट्स टाइम टू क्लीन इट।
अब मैं इसको पानी से वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। Oh my god, this is actually beautiful, and see the result. It enhances all over the skin area, and you can see it nourish my skin, hydrate my skin, exfoliate very well. And so this is all about today's video. Hope you like my channel, so don't forget to subscribe it, and if you like it really, so please share, and thanks for watching. Bye-bye.